السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. जी शेख, हम देख सकते हैं शेख कि हमारे माशरे में कुछ लोग सलाम कुछ अजीब वगरीब तरीके से करते हैं शेख, जैसे अपने हथेली को चेहरे के सामने आके ऐसे इशारा करते हैं और दिल पे ऐसे रखते हैं कभी, या फिर मुंडी को हिलाते हैं शेख. तो सलाम बोलते बोलते ये करना जायज है या फिर सिर्फ इस तरह करने से सलाम हो जाता है शेख, बिना कोई कुछ बोले? जैसा कर जी शेख, बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने. हकीकत में ये बीमारी कई सारे लोगों के अंदर पाई जाती है. देखिए, हमारी शरीयत ने सलाम का एक तरीका बताया है. सलाम एक दुआ है. आपको अस्सलामु अलैकुम कहना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना है, और इसे बोल करके कहना है. ये इशारे में नहीं कहना है जी. आपको बोल करके कहना है, और बल्कि आपको इस तरह से बोलना है कि सामने वाला सुन ले. ये वाजिब है. अगर आप सलाम कर रहे हैं तो आप इतनी आवाज निकालें कि सामने वाला सुन ले. अगर फर्ज करें वो इतनी दूरी पर है कि उसको सुना पाना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो आप मुंह से बोले और साथ में कोई ऐसा इशारा कर दें जिससे वो समझ जाए कि सामने वाले ने सलाम बोला है. यहां पर गुंजाइश है इशारे की, लेकिन अगर वो आपकी आवाज सुन रहा है तो इशारा करना ये हमारा इस्लामी तरीका नहीं है सलाम करने का. बल्कि गैर मुस्लिमों में मुख्तलिफ मजाहिब में मुख्तलिफ तरीके हैं. कोई हाथ जोड़ के करता है, कोई झुक के करता है, अलग अलग तरीके हैं. तो वो सारे जो तरीके हैं वो इस्लामी तरीके नहीं है. इस्लामी तरीका है आप बोल करके सलाम करो. करीब में है तो उससे मुसाफा भी करो आप. अगर वो इतनी दूरी पर है, इतने फासले पर कि आपको लगता है कि शायद मेरी आवाज उसको ना सुनाई दे, तो आप हाथ के इशारे से ऐसा इशारा जो आपके यहाँ आपके समाज और मुआशरे में मारूफ हो कि सलाम को बताने के लिए इस तरह का इशारा किया जाता है ताकि सामने वाला समझ जाए, तो आप इशारा कर सकते हैं. लेकिन सिर्फ इशारे पर इक्तिफा नहीं करेंगे. आप सलाम बोलेंगे, साथ में उसको ऐसा इशारा देंगे कि वो समझ जाए कि सामने वाले ने सलाम बोला है. लेकिन सिर्फ मुंडी हिला देना या सिर्फ हाथ हिला देना ये सलाम नहीं है, बल्कि ये गैर मुस्लिमों का तरीका है. जी, जजाकल्लाहु खैर.